माल व्यवहार क्या हाल उम्मीद के साथ सारे व्यवहार ठीक ठाक हो। सो मैं नाजम हुसैन तुसा यूट्यूब चैनल नाजम नवानी जी। तो दोस्तों आज की मज़ेदार वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जी। तो दोस्तों आजकल मैं मसरूफ़ बहुत ज़्यादा था क्योंकि काम की इतनी थे ना कि जिसकी वजह से मैं आपसे कोई नई वीडियो शेयर नहीं कर पाया क्योंकि मसरूफियात इतनी ज़्यादा कि जिसकी इंतहा देनी थी। मैं आपके साथ अपना काम शेयर भी नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी यहाँ पर दोबारा से कमान काश्त कर ली है क्योंकि यहाँ पर पहले भी कमान था तो उसकी हालत पहले से बेहतर नहीं थी, तो मैंने उसको ख़त्म करके न्यू कमान काश्त किया है। न्यू कमान काश्त की है इसकी तकरीबन औसत 1000 मन के करीब आई थी, तो मैंने कहा कि अब दोबारा से यहाँ पर गंदम कमान और गंदम एक साथ काश्त करें, तो मैंने उसको निकाला। निकालने के बाद कमान को जो ख़त्म करके उसमें मैंने रूटर वगैरह लगा दिया। रूटर लगा के फिर इसमें मैं 2 से 3 हल लगे हैं। 2 से 3 हल लगा के फिर मैंने इसमें एक करार लगाई है। करार लगाने के बाद मैंने इसमें एक DAP की बोरी और 40 किलो बीज एक जरे में डाला है। तो DAP की बोरी और एक 40 किलोग्राम जो गंदों में एक बीघे में डालने के बाद इसके ऊपर पहले फिर मैंने खिले निकाले हैं। खिले निकालने के बाद फिर इसमें मैंने कमान बीज दिया है। बीजने के बाद इसके ऊपर हल्के हल्के से मिट्टी दे दी है। तो जैसे ये गंदम थोड़ी बहुत उगना शुरू होगी तब मैं इसको पानी लगाऊंगा, पहले इसमें मैं पानी नहीं लगाऊंगा क्योंकि यह तजर्बा माशाल्लाह बहुत कामयाब है। और सर्दी में तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 से 3 मरतबा मैंने ऐसे काश्त की हुई है, तो आप भी इस तरह से काश्त कर सकते हैं। तो बहुत मुफीद और अंदा तरीका है। और दूसरी बात ये कि मैं मसरूफियत मेरी इतनी ज़्यादा होती है कि मैं आजकल थोड़ा सा बिज़ी हूँ। 2 से 3 वीडियो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी कि मैं कमाद वगैरह का जो सीज़न लगा हुआ उसमें मसरूफ़ होता हूँ क्योंकि हम देहाती जो लोग हैं वो ज़्यादातर अपना जो रोज़गार है जो रोज़मर्रा के काम है उससे करते हैं। क्योंकि अभी कमान का सीज़न है तो 2 से 3 वीडियो मैंने आपके पहले साथ भी शेयर की थी कि अभी कमान के सीज़न में हम कमान में मसरूफ़ होते हैं, तो जिसकी वजह से मैं आपके साथ कोई वीडियो शेयर नहीं कर पाता। बहरहाल अब मैं फ्री हूँ, आज मुझे छुट्टी थी तो मैंने कहा चलो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दूँ कि मेरी मसरूफ़ याद आजकल कहाँ है और मैं आपके साथ कोई वीडियो क्यों नहीं शेयर कर पाता। जी तो दोस्तों अब देख सकते हैं मैं मसरूफ़ इतना ज़्यादा था। बहरहाल मैंने कोशिश की कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, इंशाल्लाह जल्द आपके साथ मज़ीद अच्छी और बेहतरीन वीडियो शेयर करूँगा। बहरहाल कोशिश मैं यही करूँगा कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर पाऊँ। माशाल्लाह मौसम आज बिल्कुल बेहतरीन है। पहले आपको मौसम का विज़िट करवाता हूँ, आप मौसम देखें मौसम किस तरह से बेहतरीन और ख़ूबसूरत नज़र आ रहा है। जी तो दोस्तों आप देखें कि बादल किस तरह से खूबसूरत और बेहतरीन नज़र आ रहे हैं और सामने से ये देख सकते हैं कि ये गंदम भी एक साथ बीजी हुई है और कमान भी एक साथ बीजा हुआ है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह गंदम कितनी और बेहतरीन बीजी हुई है। और दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि यह भी गंदम वगैरह बीजी हुई है। तो अभी मैं आपके साथ और शेयर कर दूं कि यह सामने जो आपको किला वगैरह नज़र आ रहा है जहाँ पर गंदम आपको माशाल्लाह खूबसूरत और बेहतरीन नज़र आ रही है, तो ये सबसे पहली मेरी ट्राली थी जो मैंने यहाँ पर लोड वगैरह की थी और कमल वगैरह काट के लोड की थी। तो लोड करने के बाद इसको खाली करने के बाद इसमें इसका जो मालिक है इसने इसमें गंदम वगैरह और तुम वगैरह भी उसने काट है, तो माशाल्लाह बहुत ठीक किया है उसने। क्योंकि अभी इसके बाद जो उसने ज़मीन ये ली हुई थी छेंगे पर तो उसका ठेंगा ख़त्म हो रहा था, तो उसने कहा कि चलो अपना काम भी हो जाए और कमान वगैरह भी उसने निकाल लिया है और उसके बाद उसने गंदम भी बेच दिया है और अच्छी खासी औसत लेकर साइड पे हो जाएगा। जी तो दोस्तों उम्मीद करूँगा आपके साथ अच्छी से अच्छी वीडियो शेयर करूँ क्योंकि कोशिश तो हमारी यही होती है कि आप व्यूअर तक कोई अच्छी सी वीडियो शेयर करूँ ताकि आप उससे लुत्फानंदाज हों और आपको बहुत अच्छा भी लगे। और दूसरी बात ये है ये सामने जो किला है ये कमान हमारे पास है 33, तो ये तकरीबन एक जरे में 6 से 7 मरने लगते हैं। ये 33 अकसाम है कमान की, तो माशाल्लाह बेहतरीन है।
और इसकी औसत वगैरह भी अच्छी आती है, तकरीबन 1000-1200 आ जाती है। तो अगर कोई ये कमर कास्ट करना चाहे तो ये भी वैरायटी है जो शुगर मिल वगैरह लेती हैं, अब ये भी कास्ट कर सकती हैं। बाकी बहरहाल अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और हमें दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त नाज़िम हुसैन अलमाणी, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।